नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान पे। दोस्तों, आज तक आपने काफ़ी सारे वीडियो YouTube पे देखे हैं, काफ़ी सारे आपने टोटके आजमाए हैं, पर आज तक आपका वशीकरण जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा पावरफुल वशीकरण मंत्र लेके आया हूँ जिससे आप अपने रूठे हुए साथी को अपनी तरफ उसको आकर्षित कर सकते हो, उसे अपने वश में कर सकते हो, और जिससे आप गहरा प्रेम कर सकते हो, उसके साथ में आप अपना प्रेम विवाह भी कर सकते हो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल आप एंड तक देखेंगे, इसको स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें, उसके बाद में ये टोटका करें। आधी अधूरी जानकारी से ना तो आपका कोई कार्य होगा, ना ही कुछ और होगा। तो साथियों, आज जो आपने वशीकरण करना है वो करना है इत्र से। इत्र मोगरे का होना चाहिए, और कोई भी इत्र इस कार्य में कारगर सफल नहीं होगा। मोगरे का आपने इत्र लेना है। साथियों, वीडियो को एंड तक देखें, स्किप न करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है, उस पर आप कभी भी कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो पावरफुल वशीकरण मंत्र है ये है आपको प्रेम विवाह में सफलता पाने हेतु। आजकल हर आदमी, हर नौजवान युवा साथी ये चाहता है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जिससे प्यार करता हूँ, उसके साथ में ही मैं अपना पूरा जीवन जो है वो मैं गुजारूं। दोस्तों, आप जिससे भी प्रेम करते हो उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, इसके लिए आज मैं आपको मोगरे के इत्र से वशीकरण करना वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। साथियों, ये कार्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सम्मुख शुक्ल पक्ष में गुरुवार से आपको करना है। अगर आपको शुक्ल पक्ष का नहीं पता है, विष्णु लक्ष्मी जी के आपके पास में फोटो नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर में जाके ये कार्य कर सकते हैं। करना क्या है, आपने मोगरे का इत्र लेना है। इस इत्र के अंदर अपनी प्रेमिका या प्रेमी का नाम जो है एक कागज पे लिखना है। लिखने के बाद वो कागज इस शीशी के अंदर आपने रख देना है, ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। किसी भी मंदिर में जाओगे वहां पे आपको केले का जो पेड़ है वो बिल्कुल मिलेगा, केले का मिल जाए चाहे पीपल का मिल जाए। उसके बाद में इसमें आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी का नाम जो है वो कागज इसमें डाल दोगे। इसको पीपल के पेड़ की जड़ में या केले की पेड़ की जड़ में ध्यान रखें, गुरुवार के दिन करना है, बृहस्पतिवार के दिन ये करना है, शुक्ल पक्ष हो तो सोने पे सुहागा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब मर्जी आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर जब आप अपने प्रेमिका या प्रेमी का नाम जब इसके अंदर आप लिखोगे या पर्ची पे लिख के इसके अंदर डालोगे, उस टाइम जो आपको मंत्र उच्चारण करना है, ध्यान दें, जब आप इसमें अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम कागज पे लिख के इसके अंदर आपने डालना है, उस टाइम जो मंत्र उच्चारण करना है वो मंत्र श्रावण मास के अंदर माताओं बहनों को बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये मंत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वो उस मंत्र का आपने 21 बार उच्चारण करना है, उसके बाद में कागज डाल के इसको पीपल के पेड़ की जड़ में या केले की पेड़ की जड़ में इसको दबाना है। साथियों, आज का जो ये मैं टोटका जो बताया है आपको, इसका आपने कहीं भी गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि किसी को चाहो तो इतना शिद्दत से चाहो कि वो आपका हो जाए या आप उसके हो जाएं। कोई भी प्रयोग जो आप कर रहे हैं, इसकी सफलता और असफलता आपके प्रयास पे निर्भर है। आपने किस तरीके से किया है, गलत तरीके से किया है, सही तरीके से किया, ये आपके प्रयास पे निर्भर है। इस मंत्र का कहीं भी आपने गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। धन्यवाद।